सावधानी से सुनना, एक प्रश्न हमारे भीतर खड़ा होता है। जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, क्या वो ठीक है, क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए, अब सूर्यनारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सरी। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। क्योंकि मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने भी हुए जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया, इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन सेवा अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है। कितनी सुंदर बात है महाराज, सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठन ठीक हो गया, आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत
ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, सोन मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं, सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। तो आप कहते हो ना साहब, मैं